सुशांत आज हमारे बीच नहीं है और उसके बिना पवित्र रिश्ता डेफिनेटली अधूरा है, क्योंकि अर्चना का मानव सिर्फ वही था और उसके बिना बहुत इनकम्प्लीट हो जाती हैं चीज़ें. लेकिन आई एम श्योर वो जहाँ भी वो हमें देख रहा है और ही इज़ जस्ट यू नो ही इज़ हैप्पी वेर एवर ही इज़. एंड आई एम और भी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ, जैसे सुशांत के बारे में बताना चाहती हूँ. पवित्र रिश्ता की जो मानव है जो है उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ. उसने हमेशा मुझे एक्टिंग सिखाई. मैं बिल्कुल एक्टर नहीं थी और ही वॉज़ द वन हु यूज़ टू टीच मी वॉट इज़ एक्ट, क्योंकि मैं बहुत ही जूनियर थी और वो बहुत सीनियर थे, तो वो हमेशा मुझे सिखाते थे. ही वॉज अ ब्रिलियंट एक्टर, ब्रिलियंट को-स्टार, एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विथ हिम. देन हितेन केम एज मानव. हितेन बहुत सीनियर एक्टर है ऑब्वियसली, और हितेन के साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया. आई मीन उनकी मस्ती सेट पर बहुत सारी होती थी और बहुत अच्छा लगता था. उषा नाडकर्णी जी जो मेरी सांस बनी है, आई थिंक शी हैज़ बीन अमेजिंग मदर इन लॉ टू मी. एंड वो सच में मेरी मदर इन लॉ लगती थी मुझे, क्योंकि वो हमेशा डांटती रहती थी, चप्पल मत पहनो सेट पे, ये मत करो, वो मत करो. तो उनसे बहुत कुछ सीखा है. फिर सविता प्रभु ने जो मेरी आई बनती थी, वो आज भी मेरी आई हैं, और उनसे जो जब वो मेरे लिए लड़ती थी, एक्चुअली जब पवित्र के आपने सीन्स देखे होंगे, जब शी यूज़ टू फाइट फॉर मी, मुझे लगता था मेरी माँ मेरे लिए लड़ रही है. एंड शी हैज़ ऑलवेज गिवन मी दैट वॉर्म्थ कि तू मेरी बेटी है. एंड टिल टुडे वी हैव दैट रिलेशनशिप विद उषा आई ऑल्सो एंड विद सविता आई ऑल्सो. सो आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद यू नो सच ब्रिलियंट एक्टर्स. आई मीन मराठी जगत के, मराठी सिनेमाज और सीरियल्स के वो बड़े बड़े नामी कलाकार हैं, और उनसे जो मैंने सीखा है वो मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकती. फिर उसके बाद हमने बहुत सारे एक्टर्स आए, बहुत सारे नए लोग, जनरेशन्स, बहुत सारी अर्चना ने जनरेशन्स देखी है, यू नो. और 6 साल एक शो पर काम करना ऑटोमेटिक एक परिवार हो जाता है. और फ्रॉम माई स्पॉट दादा टू माई मेकअप दादा टू एवरी वन, यू नो, वो मेरा परिवार हमेशा से था और आज भी है. आज भी मेरे राम दादा हैं, राजू दादा हैं, बशीर दादा हैं, जिन्होंने इतने साल मेरे साथ काम किया है, आज भी वो मुझसे जुड़े हुए हैं. और इतने सारे डायरेक्टर्स रहे हमारे, कुशल सर जो कि मेरे फेवरेट डायरेक्टर है, मुजम्मिल सर हमारे डायरेक्टर रहे, सुहास दादा जो DOP थे, राजन दादा DOP थे, और बहुत अच्छे अच्छे ब्रिलियंट एक्टर्स जिनके नए जनरेशन जब आया, जब ऋत्विक आशा आए, मृणालिनी त्यागी, ओवी, श्रुति कन्वर, और इन लोगों के साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया.